हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कैरी की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए ये मैंने एक कैरी ली है, मैंने इसे छिल लिया है और छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे हम जार में डाल लेंगे। ये मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और इसे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये भी जार में डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये मैंने 7 साबुत लाल मिर्ची ली है, इसे मैंने गर्म पानी में थोड़ी सी देर उबाल लिया था, इसके हम छोटे पीसेस करके जार में डाल देंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, अभी हम इसका छोंक तैयार कर लेते हैं। पैन में तेल गरम हो गया है, इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1/4 टीस्पून सरसों और 1/4 टीस्पून जीरा, 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं, छिलके के साथ ली हैं, इसे मैंने रफली क्रश कर लिया है, 2 साबुत लाल मिर्ची ली है, ये भी डाल देंगे और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। अभी जो हमने कैरी पीस ली थी, ये भी इस छोंक में डाल देंगे और थोड़ी देर इसे चला लेंगे। हमने इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। अभी इसे हम 2-3 मिनट के लिए और भून लेंगे। अभी इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसे चला लेंगे। गैस फ्लेम धीमी आंच पर कर देंगे। एक उबाल आ गया है, थोड़ी देर इसे चला लेंगे। कैरी की चटनी तैयार हो चुकी है, गैस फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए, कैरी की चटनी तैयार है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।